हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? दिस इज़ मी सलोनी सिन्हा. वेलकम और वेलकम बैक टू जेस्टिक कॉस्मेटिक्स. सो गाइस, आज का जो वीडियो है ना, वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आज हम एक्वा प्रेशर के बारे में बात करेंगे, जो आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, जो आपको एक ग्लोइंग स्किन देगा. तो उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आर चैनल. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो गाइज, ग्लोइंग स्किन किसको नहीं पसंद है? बट इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा लाइफस्टाइल क्या है. क्या हम अल्कोहल पीते हैं? क्या हम स्मोकिंग करते हैं? क्या हमारी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है? स्लीप साइकिल कैसा है? हमारा इनटेक कैसा है? क्या हम एक्सरसाइज करते हैं? तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है, रादर देन अप्लाइंग एनीथिंग, आपको ये फोकस करना चाहिए कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है. अब मैं आपको कुछ एक्वा प्रेशर पॉइंट्स बताती हूँ, जो आपको एक ग्लोइंग स्किन अचीव करने में हेल्प करेगा. सबसे पहला है सेंटर ऑफ द फोरहेड. यहाँ पे आपको प्रेस करना है, मीडियम प्रेशर होना चाहिए, एंड इसको 30 सेकेंड्स के लिए करना है. एंड आप इसको ट्वाइस कर सकते हो, दिन में दो बार कर सकते हो. सेकेंड एक्वा प्रेशर पॉइंट इज साइड ऑफ योर एब्रोस. यहाँ पे आपको हल्का मीडियम प्रेशर से इसको प्रेस करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको करना है, एंड इससे आपका स्ट्रेस कम होता है. इट ऑल्सो हेल्प्स टू अचीव हेल्दी स्किन. सो द नेक्स्ट एक्वा प्रेशर पॉइंट इज क्लोज योर इंडेक्स फिंगर टू योर थंब, एंड इन द सेंटर यू जस्ट हैव टू रोटेट सेंटर ऑफ बोथ इंडेक्स फिंगर एंड द थंब. You just have to press and rotate. So the next aqua pressure point is at the ends of your elbows. यहाँ पे आपको press करना है and rotate करना है, and इसको आपको 30 seconds के लिए करना है. And these two steps helps in detoxification. So ये दोनों जो मैंने last वाला आपको बताया था और ये वाला, ये आपको detoxification करने के लिए बहुत ज़्यादा helpful होता है. So the next acupressure points is here. Just have to press and rotate. It will help you to achieve clear skin, and it also helps in reducing fine lines and wrinkles. So this one is very must. Like ये वाला आप ज़रूर करो, आपको fine lines और wrinkles से reduction के लिए बहुत ज़्यादा helpful होगा ये. And yeah, this is it. I hope you find this video helpful, and ये इसका part 1 था. अगर आपको ये video अच्छी लगी तो मैं इसका part 2 भी बनाऊंगी, and please मुझे comment section में बताओ कि आपको ये video कैसा लगा, ताकि मैं आपको और acupressures के बारे में knowledge दे सकूं. and अगर आपको ये video अच्छी लगी तो make sure you like, share and subscribe to our channel. I will see you in the next one. till then take care, bye bye.